यह तो विजेता हैं, इनका भी क्या कहना। दिलों में चाहत बनाकर इनकी तो आदत है रहना। बड़ों की बात करते हैं साहब, पैर तो जमाना धोएगा। जिस दिन खेलना छोड़ दिए तो तीनों लोग भी रोएगा। ग्रीटिंग्स पीपल, दिस इज महक कपूर एंड यू आर वॉचिंग द महक कपूर शो, कवरेज यू कैन काउंट ऑन। और अब तो आप सब समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, एकदम सही पहचाना आपने। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने शनिवार को यानी 15 अगस्त के दिन इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर लिया है। धोनी के संन्यास के पीछे 15 अगस्त का क्या कनेक्शन था, इसका खुलासा खुद धोनी के मैनेजर ने किया। तो आइए जानते हैं आखिर क्या था धोनी के संन्यास और 15 अगस्त का कनेक्शन। धोनी के मैनेजर मिहिर दिवाकर ने खुद खुलासा किया कि धोनी के संन्यास के फैसले के लिए 15 अगस्त से बेहतर दिन कोई हो ही नहीं सकता था। यह धोनी की देशभक्ति को दर्शाता है। और इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि उनका पूरा चमकदार करियर भारत के लिए था और लोगों से जिन्होंने उन्हें इतना प्यार दिया, वह अद्वितीय है। और इसलिए धोनी के संन्यास के लिए 15 अगस्त से बेहतर दिन कोई हो ही नहीं सकता था। धोनी का 15 अगस्त को संन्यास लेना, यह सब भारत को समर्पित। तो आइए एक बार नजर डालते हैं धोनी के जलवों की ओर। धोनी की कप्तानी में भारत आईसीसी वर्ल्ड टी20 2007, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का खिताब 2013 में जीत चुका है। इसके अलावा भारत 2009 में पहली बार टेस्ट में नंबर एक बना था। दिसंबर 2014 में धोनी ने टेस्ट क्रिकेट में अचानक संन्यास की घोषणा कर दी थी। धोनी ने साल 2017 में शुरुआत में ही वनडे और टी20 कप्तानी को भी उसी अंदाज में अलविदा कहा जिसके लिए वह जाने जाते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग द महक कपूर शो, कवरेज यू कैन काउंट ऑन।